व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका? यार आज हम वो महारथी डियो के आपस में कंपेरिजन करने वाले हैं जिसके लिए सब लोगों का कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में भरा पड़ा है। सबसे पहले आपको नाम बता देते हैं यार, LG UR 7500 वर्सेस सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट। ये जो दोनों टीवियाँ ना, ये सबसे बड़ी बात तो ये दोनों ही टीवियाँ एक ही कंट्री के, जो कि है साउथ कोरिया कंट्री, और दोनों ही टीवियाँ और दोनों ही टीवियों में जो डिस्प्ले होती है, पिक्चर क्वालिटी होती है, साउंड क्वालिटी होती है, फीचर्स जो होते हैं एक एक से लाजवाब फीचर्स देते हैं, और दोनों में हमेशा कड़ा मुकाबला होता है आपस में हर समय में। ये समझ लीजिए ये दोनों ही टीवियों में जो हर एक फीचर्स होते हैं वो लाजवाब होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं LG वर्सेस सैमसंग की स्मार्ट टीवियों में आते हैं। और इस बार फिर से मेरा कमेंट बॉक्स भर दिया गया, यार प्लीज़ कंपेरिजन करिए सैमसंग वर्सेस LG या फिर LG वर्सेस सैमसंग। ये दोनों ही स्मार्ट टीवियां अभी जस्ट लॉन्च हुई हैं, इसी साल लॉन्च हुई है, 2-3 महीने के अंदर, और दोनों में से मुझे पता आप सबको कंफ्यूजन है यार कौन सी बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी होगी, क्योंकि दोनों ही टीवियों में आपको 43 इंच से लेकर के 65 इंच का साइज की स्मार्ट टीवी मिलने वाली है। तो चलो जल्दी से यार दोनों का एक बढ़िया सा भिड़न कराया जाए, दोनों का बेस्ट कंपेरिजन आपको देते हैं और आपको बताते हैं कौन सी बेस्ट स्मार्ट टीवी होने वाली है जस्ट आपके लिए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करें, उससे पहले क्या करना है आपको पता है यार, जा करके अभी का भी सब्सक्राइब बटन जाके दबा दें, क्योंकि कोई भी रुपए नहीं ले रहा इस समय में YouTube, खैर पहले भी नहीं लेता था, और साथ साथ में बेल आइकन कॉल, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके लिए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो चलो लेट्स कंपेयर LG UR 7500 वर्सेस सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट। सबसे पहली बात, दोनों के सॉफ्टवेयर के आपस में कंपेरिजन कराएंगे। सॉफ्टवेयर आप सोचोगे दोनों तो गूगल टीवी है, नहीं भाई सब, दोनों ही गूगल टीवी है, ना ही दोनों ही एंड्रॉयड टीवी है, दोनों ही अपने अपने सॉफ्टवेयर के साथ आती है, दोनों ही अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं। जैसे कि आपको LG में आपको WebOS मिल जाता है, भाई सैमसंग में आपको Tizen OS मिल जाता है। अब आपके मन में आने वाला होगा यार ये चीज़ कि यार दोनों में ही LG मतलब और सैमसंग में दोनों में आपको गूगल नहीं मिल रहा, एंड्रॉयड नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं यार, कोई ऐप सपोर्टेड ना हो ये सब, ऐसा कोई भी दोनों ही टीवियों के सॉफ्टवेयर में, चाहे सैमसंग हो चाहे LG हो, ना ही कोई ऐसा ऐप है जो OTT प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई ऐसा ऐप हो जो सपोर्ट ना हो। हर एक ऐप आपको दोनों ही स्मार्ट टीवी मिलने वाला है, चाहे वो जियो सिनेमा हो, चाहे वो जो है सोनी लिव हो, चाहे क्यों ना कोई भी मतलब Amazon प्राइम, Netflix, ये सब तो नॉर्मल ऐप्स हैं यार, यहाँ तक कि YouTube सब कुछ, गूगल के भी कुछ ऐप्स हैं वो भी आपको सपोर्टेड हैं। और यही नहीं, जितने भी जरूरी ऐप्स और भी होते हैं ना, वो भी आपको सारे के सारे इसमें सपोर्टिव मिलने वाले हैं। हाँ, उतने ज़्यादा ऐप्स नहीं हैं जो आपको गूगल में एंड्रॉयड में मिलेंगे, लेकिन बाकी ज़्यादातर ऐप्स होते हैं आपको दोनों ही स्मार्ट टीवी में अच्छे से मिलने वाले हैं, कोई भी कमी नहीं रखी दोनों कंपनियों ने। दूसरी बात बताना चाहूँगा, दोनों कंपनियों के जो सॉफ्टवेयर इस बार एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वो और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है दोनों कंपनियों ने, मतलब बोला जाए तो दोनों की आपस में टक्कर होने वाले, जो आपको वीडियो के बीच में बताएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, वाकई में जो क्लियरिटी और जो सॉफ्टवेयर और साथ साथ में जो डिस्प्ले पिक्चर आपको मिलने वाली है, वाकई में दोनों कंपनियों ने नेक्स्ट लेवल का काम किया है। हाँ तो चलो अब दूसरी चीज़ बता जाए, दोनों ही स्मार्ट टीवी में जो आपको टीवी के जो साइजेस हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको 43 इंच से लेकर 65 इंच में मिल जाएगी। प्राइसिंग अगर कंपेरिजन करी जाए तो आपको जैसे 43 इंच में अगर चाहे LG लो चाहे सैमसंग लो, दोनों में आपको लगभग सेम ही प्राइस मिलेगी, 30,000 से लेकर के 33,000 के बीच में अक्सर इन दोनों स्मार्ट टीवी की जो प्राइसिंग वो रहती है। और दूसरी बात, अगर आप 50 इंच की वहीं प्राइसिंग अगर देखना चाहते हो तो 50 इंच में आपको LG 40,000 की मिल जाएगी, और वही सैमसंग बोलोगे तो सैमसंग आपको लगभग 43 या 42 की मिल जाएगी। हालांकि 2-3 हज़ार रुपये का अंतर है, कभी कभी जो है LG भी महंगी होती है, कभी कभी सैमसंग भी सस्ती हो जाती है। वही 55 इंच की अगर साइज की बात करोगे LG और सैमसंग में, तो दोनों में वो भी लगभग सेम है, 45,000 या 46,000 रुपीज। और वही 65 इंच की साइज की अगर बात करोगे तो LG में आपको 71,000 रुपीज की ये स्मार्ट टीवी आपको मिलने वाली है। वही बात करोगे अगर जो है सैमसंग की, तो वो आपको 70,000 रुपीज़ मिलने वाली है। तो मतलब बात करी जाए प्राइसिंग की, तो कभी कोई ऊपर है तो कभी कोई नीचे, तो मतलब प्राइसिंग लगभग दोनों की सेम ही रहती है। और कार्ड्स ऑन ऑफर लगाए तो हो सकता है मे भी आपको कोई भी स्मार्ट टीवी सस्ती भी मिल सकती है। और दूसरी चीज़, अगर आपको दोनों में से कोई भी स्मार्ट टीवी अगर आपको पसंद आती मेरी वीडियो देखने के बाद, तो सभी की साइज़ों के जो लिंक्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, चाहे वो 43 जो 50, 55, 65, सारी साइज़ों के लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चाहे वो सैमसंग हो चाहे वो LG हो। हाँ तो चलो दोनों स्मार्ट टीवी की सबसे मेन चीज़ डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी की बात करें, जिसके लिए खासकर आप सब लोग स्मार्ट टीवी खरीदते हो। तो सबसे पहले हम आपको LG के बारे में बताना चाहेंगे। LG में आपको पिक्चर कोडेक की बात करें, जैसे आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता है, लेकिन HDR10 Pro मिलता है, HDR10 HLG, ये सारे के सारे कंटेंट में आपको प्रोवाइड होते हैं। वही बात की है सैमसंग की, तो सैमसंग में भी आपको सेम ही चीज़ है, HDR10 Plus, HDR10 और HLG, दोनों में ही आपको डॉल्बी विजन कंटेंट आप नहीं चला सकते, ना ही उसकी सपोर्ट है। लेकिन बात करिए पिक्चर क्वालिटी की, तो आपको जो पीक ब्राइटनेस है दोनों ही लगभग आपको 400 nits की पीक ब्राइटनेस तक चली जाती है। और आपको अब आती है पिक्चर क्वालिटी की बात, मतलब जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई 4K कंटेंट देख रहे हो, HD देख रहे हो, या फिर फुल HD देख रहे हो, या फिर HD देख रहे हो, HD कंटेंट आप देखते हो ज़्यादातर सेटअप बॉक्स से, तो सबसे पहले HD कंटेंट बारे में बताएंगे। जब आप नॉर्मल HD कंटेंट देखते हो, दोनों ही स्मार्ट टीवी बहुत अच्छी तरीके से प्ले करती है HD कंटेंट। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, दोनों ही स्मार्ट टीवी में थोड़े से पंची कलर्स आपको मिलने वाले हैं, खासकर ग्रीन और रेड और ब्लू में। ये जो कलर्स होते
होते हैं। हालांकि नेचुरल प्रोफाइल के कलर थोड़े से ज़्यादा विविड, थोड़े से पंची होते हैं, लेकिन दोनों ही कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप बोलोगे दोनों में से कौन से HD कंटेंट किस में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर एक दोनों टीवियाँ अपने नेचुरल जो है पिक्चर प्रोफाइल आपको दिखा रही हैं, और दोनों में ही आपको ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ज़बरदस्ती यार आपको कलर कोई रेड हो तो हल्का जो हल्का रेड दिख रहा हो, ऐसा कलर शेड्स बहुत अच्छी तरीके से दोनों में हैं। लेकिन आप जैसे ही HD कंटेंट की ओर जाओगे दोनों ही स्मार्ट टीवी में, चाहे LG या फिर सैमसंग में, आपको दोनों में वो भी अच्छी लगने वाली है। लेकिन HD कंटेंट में जैसे ही आप आते हो आपको अप स्केलिंग शुरू हो जाती है बाय सॉफ्टवेयर सिस्टम। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे आप LG लो चाहे आप सैमसंग लो, एप स्केलिंग टू 4K जो प्राइस रेंज में ये दोनों टीवी दे रही है 30,000 या 35,000 रुपये में, इतनी बढ़िया आप स्केलिंग इतने कम रुपए में कोई भी अदर टीवी नहीं कर पाती यार। चाहे आप किसी भी कंपनी की टीवी बात करो, ये दोनों टीवी आपको 90-95% तक आपकी स्केलिंग कर देती हैं अप टू 4K। मतलब आप HD देख रहे हो तो उसको फुल HD 2K या फिर 4K में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप जो है फुल HD कंटेंट में आते हो, दोनों ही स्मार्ट टीवी आपको लगभग 4K कंटेंट आपको दिखाने लग जाएंगे। आपको लगेगा नहीं यार आप फुल HD कंटेंट, आपको लगेगा जैसे आप 4K कंटेंट देख रहे हो। लेकिन अगर आप 4K देखने लगे बाय गॉड आपको सिनेमा वाला एक्सपीरियंस आने लग जाएगा दोनों स्मार्ट टीवी में। लेकिन आप बार बार सोच रहे हो कि दोनों स्मार्ट टीवी में ये हो दोनों स्मार्ट, कंपैरिजन बताओ भाई साहब आखिर अच्छी कौन सी है, ये बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था जब मैंने दोनों टीवियों को अपने सामने रख करके देखा बहुत देर तक, आके गढ़ा गढ़ा करके कि यार इसमें एक बार मूवी चलाई फिर इसमें भी वही मूवी चलाई, दोनों को सामने रख के मूवी चलाई, फिर दोनों में मैंने जो है स्पोर्ट्स वाले देखा, फिर न्यूज़ देखा, HD सारे कंटेंट देखे, तब जा करके मुझे कहीं कहीं पे देखने को मिला कि देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप जैसे कोई भी एक्शन फिल्म देखते हो, एक्शन फिल्म्स जब देखते हो तो एक्शन फिल्म क्या होता है मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो उसमें MEMC ज़्यादा काम आता है। तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि LG जो है हल्का सा ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ये बताना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब मैंने आंखें गड़ा करा तो मैंने वो मेरी टीम ने देखा, तब जाके मुझे पता चला। जब मैंने LG को देखा तो बहुत हल्का सा आपको लगेगा कि फ्रेम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है पिकअप कर रहा है। ये रीज़न इसीलिए क्योंकि LG में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा है सैमसंग से। ऐसा नहीं कि बहुत नेक्स्ट लेवल का लगा, हल्का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसीलिए मुझे लगा कि जैसे आप स्पोर्ट्स देख रहे हो खासकर, या फिर आप कोई एक्शन फिल्म देख रहे हो जिसमें तलवारें या गोलियां चल रही हैं, वहाँ पे आपको आज ज़्यादा अच्छा लगने वाला है LG में। लेकिन अगर आप बात करोगे नॉर्मल जैसे आप न्यूज़ देख रहे हो, डेली सोप कंटेंट देख रहे हो, तो उस समय में सैमसंग का कोई जवाब नहीं, आपको सैमसंग अच्छी लगने लग जाएगी LG से। देखिए दोनों टीवी हैं ना अपने अपने कलर पिक्चर प्रोफाइल अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे डेली सोप अगर LG में देखोगे या न्यूज़ LG में देखोगे तो आपको बेकार ही लगने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए जैसे कि मैं LG को 10 out of 10 दूंगा, खासकर स्पोर्ट्स कंटेंट देखो या फिर आप कोई भी एक्शन फिल्म देखो, ठीक है एवेंजर्स एंड गेम टाइप की मूवी देखो, आपको 10 out of 10। लेकिन आप सोचो कि भाई सैमसंग क्या 10 out of 10 नहीं दूंगा, सैमसंग को मैं 10 out of 9.999 दूंगा। यार इतना ज़्यादा कम फर्क है यार, आप जब बहुत देर तक देखोगे घंटे तक दोनों को सामने रख करके तब आपको फर्क पता चलेगा, अब बता भी नहीं पाओगे दोनों में फर्क क्या है। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा LG में आपको थोड़ा सा इसका पिकअप मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप डेली सोप में जाओगे तो आपको सैमसंग ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये आप समझ सकते हो एक तरीके से यार कि इतनी देर तक मुझे समझाने में क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि यार वाकई में दोनों अपने प्रोफाइल पिक्चर में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैं। लेकिन अभी तो मेन चीज़ बाकी भाई साहब, और भी कंपैरिजन आगे बाकी उसको सुनते जाइए। लेकिन आप जैसे ही दोनों स्मार्ट टीवी में HDR10 या HDR10+ के कंटेंट देखोगे तो आपको लग रहा होगा यार सैमसंग में आपको HDR10+ मिल रहा है, लेकिन भाई LG में आपको HDR10+ लिखा है, HDR10 Pro लिखा हुआ है। आप बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइए, HDR जो 10 Pro है वो HDR10+ बिल्कुल भी नहीं है। तो LG में आपको अलग पिक्चर प्रोफाइल मिल रही है, सैमसंग में अलग अलग मिल रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा जो HDR10 Pro होता है वो स्लाइटली बेटर होता है HDR10+ से। आप सोचोगे क्या बात कर रहे हो, हाँ भाई साहब HDR10 Pro क्या करता है, मान लो HDR जो 10+ होता है वो जो आपको सैमसंग में मिलने वाला है उसमें आपको जो पिक्चर प्रोफाइल मिलेगी और ज़्यादा विविड और ज़्यादा पंची और ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ मिलेगी। लेकिन वही LG में जो HDR10 Pro होता है वो ब्राइटनेस तो देगा, लेकिन उसी एक एक जगह पे AI ब्राइटनेस देगा। मतलब समझ लीजिए जैसे कहीं पे ऐसा सीन्स आप देख रहे हो, मान लीजिए कि कहीं पे रोशनी है उसी सीन में कहीं पे अंधेरा है, ठीक है, तो अंधेरे वाली जगह में कम ब्राइटनेस और रोशनी वाली जगह में और ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ाना ये HDR10 Pro ही कर पाता है, जो कि आपको LG में मिलने वाला है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा फर्क लाता है, लेकिन हाँ सैमसंग में भी HDR10+ देखोगे तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत नेक्स्ट लेवल का फर्क देखने वाला, दोनों टीवी में अच्छा लगेगा आपको सैमसंग में भी। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा आपको LG में भी HDR जो 10 Pro है, मेरे को पिक्चर प्रोफाइल ज्यादा अच्छी लगी जो है इस मामले में, खासकर अगर आप HDR के कंटेंट कोई भी देखना है तो आपको LG में ज्यादा बेटर लगने वाला देखने में। लेकिन अगर नॉर्मल बात करोगे तो यार दोनों ही बिल्कुल लगभग सेम ही बोलना चाहूंगा मैं आपसे, खासकर पिक्चर क्वालिटी का। बाकी दोनों स्मार्ट टीवी में अगर आपको कॉन्ट्रेस्ट इनहांसर दोनों स्मार्ट टीवी में आपको मिल रहा है, अब स्क्रीन टू 4K दोनों स्मार्ट टीवी में वो भी लाजवाब तरीके से मिल रहा है, LG में स्लाइटली बेटर है, मतलब पॉइंट्स के मामले में बेटर बोल सकते हो। वही बात की जाए तो 1 billion+ कलर का सपोर्ट दोनों ही स्मार्ट टीवी में, और दोनों ही स्मार्ट टीवी आपको 8-bit FRC पैनल मिलती है। लेकिन ब्लैकनेस के मामले में मुझे सैमसंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और
लेकिन आप जब साइड एंगल से व्यू कोई भी देखना चाहते हो तो उसमें आपको एल जी और ज़्यादा बेटर लगेगी। मतलब कहने का मतलब ये है क्योंकि जो सैमसंग है वो आपको वी ए पैनल के साथ आ रही है, तो वी ए पैनल में आपको फ्रंट में बैक करके जब कोई भी टीवी देखो, मतलब आपके सामने टीवी लगी तो आप देखोगे तो आपको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप सैमसंग की टीवी में थोड़ा सा साइड बैठ के देखोगे, जैसे टीवी सामने है आप इधर या फिर इधर होकर देखोगे, तो आपको कलर थोड़े से फेडेड लगेंगे, ऐसे लगेगा जैसे कलर उड़ गया हवा में कहीं पर, धूप में जैसे नहीं कपड़े का कलर उड़ जाता है, उस तरीके से सैमसंग में लगेगा क्योंकि उसमें वी ए पैनल और वी ए पैनल की प्रोफाइल ऐसी होती है। लेकिन भाई जैसे आप एल जी में जाओगे, एल जी में आपको आई पी एस पैनल मिलता है और आई पी एस पैनल को मैं ज़्यादा बेटर मानता हूं। हालांकि ब्लैक में हल्का सा, मतलब अगर सैमसंग में 10 आउट ऑफ 10 दूंगा ब्लैक में, ब्लैक मतलब जहां पे ब्लैक कंटेंट आ रहा है, जहां पे ऐसी सीन आप देख रहे हो अंधेरे का सीन है, तो ब्लैक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सैमसंग में, तो सैमसंग को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। लेकिन मैं एलजी को मैं जो है 8.5 या फिर 9 नंबर दूंगा आउट ऑफ 10। लेकिन तब भी आपको जो चीज़ एलजी दे रही वो चीज़ सैमसंग नहीं दे पाएगी, वो चीज़ क्या है, आईपीएस पैनल। आईपीएस पैनल आप जाकर या तो गूगल कर लेना, आपको सामने बैठ के तो देख ही सकते हो वही पिक्चर प्रोफाइल सेम दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप साइड हो गए और इधर हो गए कभी भी कलर फेड नहीं होगा, ना ही कलर कभी उड़ेगा, लेकिन सैमसंग में वही चीज़ आपको थोड़ी सी फेडेड दिखेगी। हालांकि सैमसंग ने भी बहुत कोशिश करी सॉफ्टवेयर के द्वारा कि फेड ना हो, लेकिन तब भी फेड हो रहे हैं क्योंकि यार वी ए पैनल की पिक्चर प्रोफाइल होती ही ऐसी है, और आपको सैमसंग में वी ए पैनल मिल रहा है, वही एलजी में आपको आईपीएस पैनल मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर है, खासकर उनके लिए जिनका कमरा ज़्यादा वाइड है, चौड़ाई ज़्यादा है कमरे की, आपको मतलब टीवी सामने रखते हो आपकी कमरे की गहराई कम है, आपको साइड में बैठ के ज़्यादा देखना है, ठीक है, तो आप जरूर आईपीएस पैनल की ओर जरूर जाइए, आप वहाँ पे सैमसंग मत देखिए क्योंकि ऐसी कोई भी कमी ऐसी नहीं। अभी जाइए वो पिक्चर वीडियो यहीं बंद कर दीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोनों ही टीवीओ का, आप जाकर आपको आईपीएस ले तो आप आईपीएस अभी जाकर ले लीजिए, और आगे देखने आपको जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि आप अगर गलती से भी वीए पैनल ले लेते हो और आपका कमरा चौड़ाई ज़्यादा है, आपको बहुत साइड साइड में बैठ के देखना, तो आप सोचोगे यार ये कैसे कलर्स आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा आप आईपीएस पैनल और एलजी की टीवी तुरंत जाकर अभी ले लीजिए, लेकिन देखना तो और आगे देख सकते हो वीडियो को। हाँ तो यार आपको बताना चाहूँगा LG और Samsung इतनी ज़्यादा अच्छी कलर प्रोफाइल कैसे दे देते हैं, इतने ज़्यादा अच्छी टीवी कैसे बना लेते हैं, क्या इसमें पैसे लगते हैं? बिहार साहब बिल्कुल पैसे लगते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को कम देना पड़ता है। जैसे कि दोनों स्मार्ट टीवी मुझे रिमोट बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे, दोनों स्मार्ट टीवी में आपको ब्लूटूथ रिमोट नहीं मिलते हैं, आपको मैं बता देता हूँ दोनों स्मार्ट टीवी में आपको ब्लूटूथ रिमोट नहीं मिलते, दोनों स्मार्ट टीवी में आपको IR रिमोट मिलते हैं, साथ साथ में आपको गूगल असिस्टेंट की बटन भी नहीं मिलती दोनों ही टीवीओं में। लेकिन हाँ डेडिकेटेड बटन जरूर आपको मिल जाएंगी, जैसे कि डिजनी पर हॉटस्टार, यूट्यूब, अमेजन प्राइम, इन सबके डेडिकेट बटन जो है दोनों ही स्मार्ट टीवी में है। लेकिन आप एलजी में एक ज़्यादा फायदा है कि आप उसमें अलग से आप 1000 रुपये का या 1500 रुपये का रिमोट अलग से मैजिक रिमोट खरीद सकते हो, ये चीज़ आपको सैमसंग में भी मिल रहा है। लेकिन सैमसंग का रिमोट कितने का ये मुझे नहीं पता, आप सर्विस सेंटर से फोन करके पूछ लीजिएगा, लेकिन दोनों टीवी में अलग से समझ लीजिए 1-2 हज़ार रुपये का खर्चा जरूर आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा रिमोट अच्छा है लेकिन यार उतना अच्छा नहीं, जो आजकल स्मार्ट टीवी में यार स्मार्ट रिमोट देना चाहिए, थोड़ा सा तो ज़्यादा पैसा लगा देते 500-1000 रुपये तो यार वो रिमोट मिल जाता, लेकिन आप खैर आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको चाहो तो, अगर स्मार्ट रिमोट खरीदना, तो नहीं खरीदना चाहते तो आपको सिंपल रिमोट से भी आपका काम चल जाएगा, जैसे आपको दोनों टीवी का रिमोट दिख रहा है। अब दूसरी क्या चीज़ होती है, वो चीज़ होती है साउंड क्वालिटी, और दोनों ही टीवी में जो साउंड क्वालिटी है, 43 इंच की बात करोगे, 43 इंच की अगर आप टीवी लेते हो तो आपको 20 वॉट के स्पीकर मिल रहे हैं, लेकिन आप 50-55 या 65 इंच की टीवी लो, चाहे LG लो चाहे सैमसंग लो, तब भी आपको 20 वॉट के स्पीकर मिलने हैं। लेकिन इनके जो स्पीकर जो 20 वॉट के हों, अदर कंपनी के जो 20 वॉट के स्पीकर होते हैं, इनके स्पीकर थोड़े ज़्यादा लाउड मिलेंगे, लेकिन हाँ इतने ज़्यादा लाउड भी नहीं मिलेंगे कि आपको 30 वॉट के बराबर हो जाए, हालांकि बोल सकते हो मतलब थोड़े ज़्यादा लाउड होते हैं। 43 इंच की टीवी ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सफिशियंट लगेगा, आपका रूम ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता कम लगे, अगर रूम में कूलर वूलर चलाते हो तो आपको आवाज़ 20 वॉट की कम लग सकती है। लेकिन आप जैसे 50-55 या 65 इंच की टीवी ले तो नॉर्मल सी बात है आपको साउंड बहुत ज़्यादा कम लगेगी, क्योंकि आप 50 या 55 इंच की टीवी वहीं पर लगाते हो जहाँ आपका हॉल टाइप की, क्योंकि 50 इंच की टीवी भी ठीक ठाक बड़ी टीवी होती है, तो कम से कम आपको रूम जब 200 स्क्वायर फीट के ऊपर होता तो ही आप वहाँ पर लगाते हो। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों में साउंड और क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियर साउंड तो मिल रहा है, बहुत अच्छा साउंड मिल रहा है, सराउंड साउंड का हल्का सा इफेक्ट भी आएगा, लेकिन आपको तब भी साउंड कम लगेगा, जो कम लगेगा तो आपको मजा नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा आप दोनों में ही साउंड बार ले लीजिएगा, आप चाहे सैमसंग लो चाहे एलजी लो, एक 100 वाट का साउंड बार ले लीजिएगा, यहां तक कि मतलब बोट के भी साउंड बार आ रहे हैं आजकल 80 वाट या 100 वाट के, डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड साउंड बार आ रहे हैं विद HDMI प्लगइन के साथ, तो मेरे ख्याल से आप एक साउंड बार ले लीजिए, 2000-3000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं आपको। मैं अच्छे साउंड बार्स के लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, 5000 से लेकर के 10000 तक में, ठीक है, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो। हालांकि हाँ खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा, LG सैमसंग लोगों को तो खर्चा तो थोड़ा यार 1-2 हज़ार या 3000 रुपये एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, क्योंकि एक अच्छी चीज़ के लिए एक अच्छी प्राइस वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी। हाँ तो यार अब रैम और स्टोरेज की बात करी जाए तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे सैमसंग में आपको 2 GB की रैम और 16 GB का स्टोरेज मिल रहा है,
ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐप्स डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि यार इसमें आपको टाइसन ओएस मिल रहा है। हाँ लेकिन ठीक ठाक ऐप्स आप भी डाउनलोड कर सकते हो। भाई एलजी में आपको 1.5 जीबी की रैम मिल रही है और 8 जीबी का स्टोरेज मिल रहा है। आप सोचो भाई साहब ये क्या है 1.5 जीबी की रैम, चिंता मत करो, मैंने जैसे कि बोला इनका खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है तो इनको कोई जरूरत नहीं है 2 जीबी रैम की। हालांकि सैमसंग ने 2 जीबी रैम दी है लेकिन एलजी ने क्या किया, अपना प्रोसेसर इस बार इतना ज़्यादा आपको अच्छा दे दिया है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार जो है वो 2 जीबी रैम की, क्योंकि उतने में ही काम। जैसे कि एप्पल का जो मोबाइल होता है, मैंने हालांकि पहले भी समझाया था, एप्पल का मोबाइल 1.5 लाख का मोबाइल होता है तब भी उसमें आपको 6 जीबी की ही रैम मिलती है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 जीबी की रैम मिलती है। और वही एंड्रॉइड के स्मार्टफोन को तो 16 जीबी की रैम मिल जाती है 50,000 के मोबाइल में। तो वही चीज़ है यार, एलजी का खुद का ही सॉफ्टवेयर है, खुद का ही हार्डवेयर है, तो इनको जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा रैम की, ठीक है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा सॉफ्टवेयर के बाद में अब दूसरी चीज़ आती है रैम स्टोरेज के बाद में, वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर में आपको सैमसंग का 4K क्रिस्टल प्रोसेसर मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। किसी भी मामले में चाहे आप HDR पिक्चर प्ले करो, चाहे आप HD फुल HD या HD मतलब कैसा भी 4K कंटेंट प्ले करो, सब में बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लेकिन वहीं पे आप जब LG में आते हो तो LG में आपको ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही हैं जो आपको सैमसंग में मिल रही हैं, 4K HDR 10+ HDR 10 Pro सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उसका जो प्रोसेसर है Alpha 5 Gen 6 जनरेशन 6 प्रोसेसर जो लगाए गए हैं, इसमें क्या है मैंने जैसे बोला फ्रेम्स आपको थोड़े से ज़्यादा स्मूथ लगेंगे, बहुत ज़्यादा जब आप देर तक देखो अच्छे लगेंगे, लेकिन आप जैसे ही गेमिंग पे आओगे आपको LG में ज़्यादा मजा आने वाला है। हालांकि दोनों ही स्मार्ट टीवी आपको 60Hz के पैनल के साथ आती है, सैमसंग आपको 50Hz के साथ मिल सकती है, LG 60Hz 50 या 60Hz में इतना फर्क नहीं है, लेकिन हाँ 120Hz के रिफ्रेश रेट दोनों ही आपको नहीं देने वाली। लेकिन तब भी आप जब गेमिंग करोगे तो ज़्यादा स्मूथ ज़्यादा फ्रेम रेट आपको मिलने वाला है LG में। और जैसे ही आप Xbox या फिर PS5 लगाओगे आपको LG में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसर, ये प्रोसेसर नेक्स्ट लेवल का काम करता है मतलब बोलना चाहे तो LG में। इसीलिए आपको LG में MEMC भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, इसीलिए आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड आता है, हालांकि आपको सैमसंग में भी मिल रहा है लेकिन LG में नेक्स्ट लेवल का मिल रहा है। तो अगर आप गेमिंग के लिए भी देख रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से LG को जाना चाहिए, क्योंकि LG को मैं गेमिंग के हिसाब से मान लीजिए 10 out of 9.5 दूंगा, तो भाई सैमसंग को मैं 10 out of 9 दूंगा, 0.5 नंबर का अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन हाँ LG में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मजा आने वाला है खासकर फ्रेम रेट के मामले में, तो गेमिंग के हिसाब से आप अपना समझ लीजिएगा। हाँ तो बाकी अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो दोनों स्मार्ट टीवी में आपको 3 HDMI की पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल केबल और बाकी मतलब डुअल बैंड वाईफाई सब कुछ मिलने वाला है, आपको कोई भी कमी नहीं रखी गई पोर्ट्स के मामले में। दोनों स्मार्ट टीवी में सेम पोर्ट मिलने वाला है आपको, HDMI 2.1 का भी पोर्ट मिला जिसके थ्रू आप गेमिंग भी कर सकते हो। हालांकि आप अलग से HDMI के थ्रू आप स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन बात यह है आप डॉल्बी एटमॉस आप दोनों स्मार्ट टीवी में स्पीकर नहीं कनेक्ट सकते क्योंकि दोनों में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि डॉल्बी एटमॉस के जो स्पीकर आते हैं वो आते भी 50,000 तक के, तो उसकी तो बात ही हटा दो, 50,000 के स्पीकर फोन खरीदोगे 30,000 की टीवी या 40,000 की टीवी के लिए। लेकिन बात की है तो आप नॉर्मल स्पीकर जैसे लगाओगे, नॉर्मल तो नहीं बोलूंगा, HDMI स्पीकर भी अगर लगाओगे तो आपको बहुत अच्छी साउंड उसके थ्रू भी मिलने वाली, क्योंकि HDMI के थ्रू भी जब मैंने देखा साउंड तो वाकई में दोनों स्मार्ट टीवी बहुत अच्छी तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर रही है। सैमसंग में आपको थोड़ी सी मेलोडी साउंड लगने वाली है और LG में थोड़ी सी आपको मतलब बूफर वाली साउंड, थोड़ी आप अपने हिसाब से आप टेस्ट देख लीजिएगा आपको किसका साउंड ज़्यादा पसंद है। कंक्लूजन में तो मैं बताऊंगा कौन सी स्मार्ट टीवी किसके लिए बेहतरीन होने वाली है। वही आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा, दोनों में आपको AI फंक्शन अपने अपने मिल रहे हैं। सैमसंग में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, सैमसंग में भी ऐसा हो सकता है कि आपको वेबकैम फ्री मिले जो 7,000 से 8,000 रुपये का है, हो सकता ना भी मिले, इसका मैं दावा नहीं कर सकता, कभी दे रही कभी नहीं दे रही है, मुझे समझ में नहीं आता, तो अपने हिसाब से देखिए। बाकी दोनों में ही जैसे LG में ThinkIQ है वैसे सैमसंग में आपके AI IQ है, तो दोनों का AI सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ये भी मैं बता दूँ। अब कंक्लूजन की बात करिए, बहुत सारी खिचड़ी पक चुकी है अभी तक, आप मुझे बहुत देर से सुन रहे हो, इतनी बड़ी वीडियो हो चुकी है, किसकी टीवी लेनी भाई साहब, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो चुके हो। अगर आपको गेमिंग करनी है, आपका कमरा वाइड है, वाइड का मतलब समझिएगा चौड़ाई ज़्यादा है, आपको IPS पैनल की ज़रूरत है और साथ साथ में आपको MEMC थोड़ा सा ज़्यादा बेटर और चाहिए, तो आप LG की ओर ही जाइए। लेकिन वहीं आपको अगर अच्छी पिक्चर प्रोफाइल चाहिए, साथ साथ में आपको डेली शो और न्यूज़ के चैनल ज़्यादातर देखने हैं आपको, तो और कलर्स आपको इनहांस और ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो आप सैमसंग की ओर जा सकते हो। बाकी दोनों ही टीवी में सारे के सारे फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं, ऐसा नहीं कि आप LG ले लोगे तो सैमसंग में ये चीज़ जो है आपको LG में नहीं मिलेगी, या फिर सैमसंग में ये जो चीज़ है वो LG या फिर दोनों में, क्या बोल रहा हूँ मैं, खिचड़ी पका दे रहा हूँ, मतलब जो चीज़ LG में है वो चीज़ सैमसंग में भी है, जो चीज़ सैमसंग में जो LG में भी है, कहीं किसी में कोई चीज़ अच्छी, कहीं किसी में कोई चीज़ अच्छी। तो मैं अगर लेने जाऊँगा, मेरे को अगर गेमिंग करनी तो मैं सीधे LG उठा लूँगा, IPS पैनल चाहिए तो मैं सीधे LG उठा लूँगा, अगर लेकिन अगर मुझे VA पैनल चाहिए, मुझे ब्लैक्स ज़्यादा अच्छे चाहिए, तो मैं सैमसंग उठा लूँगा, और साथ साथ में अगर मुझे पॉपी कलर ज़्यादा चाहिए तो मैं सैमसंग उठा लूँगा। ये अब आपके ऊपर है, आप चाहे 43 इंच की टीवी लो, 50 या 55 या 65, आपको दोनों के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएंगे, और आप सोचिए आपको हिसाब से क्या लेना है, क्योंकि
बढ़िया चीज लोगे दोनों में से कोई भी चीज, मैं गारंटी करता हूँ 7 से 8 साल दोनों ही टीवी चलने वाली। तो इसीलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरी वीडियो प्लीज यहीं पर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को लिए, और प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अगर किसी को LG और सैमसंग में से कंफ्यूजन है तो। और अच्छे स्पीकर या साउंड बार के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाली। जब तक टाटा, बाय बाय।